हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो एक पर्टिकुलर कमेंट आप लोग पूरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में कंटिन्यूअसली स्टूडेंट के तरफ से आ रहा था कि एक वीडियो लेके आइए जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप रिम्स रांची का कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस साल 2023 में रिम्स रांची का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। तो ये वीडियो आप लोग के डिमांड के ऊपर ही है कि रिम्स रांची का कट ऑफ क्या रहने वाला है इस साल। तो इस साल 2023 में रिम्स रांची का कट ऑफ क्या रहेगा, उससे पहले आप लोगों को समझना होगा कि लास्ट 2022 में क्या कट ऑफ था आपका ऑल इंडिया कोटा से और स्टेट कोटा से रिम्स रांची के लिए। तो सबसे पहले हम लोग 2022 का कट ऑफ देख लेंगे ऑल इंडिया कोटा से भी और स्टेट कोटा से भी, हर राउंड का, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड, तीनों राउंड का देख लेंगे, जिससे कि एक हम रफ आइडिया आपको बता देंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल क्या रहेगा। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कि रिम्स रांची का ये ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ है, ऑल इंडिया कोटा राउंड वन का कट ऑफ है। ठीक है, वो 2022 का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, और क्योंकि आपका अभी रिजल्ट आ चुका है, तो जब आपका अभी रिजल्ट आ चुका है तो आप जो है ज़्यादा किस पे फोकस कीजिए, आप ऑल इंडिया रैंक पे फोकस कीजिए, क्योंकि रैंक जो है उतना वैरी नहीं करता है, लास्ट ईयर की तरह ही रहेगा। 300-500 का रैंक डिफर कर सकता है, बट जो लास्ट ईयर की तरह ही रैंक रहेगा। भले स्कोर हमेशा वैरी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है, वो चेंज हो सकता है, लेकिन रैंक उतना चेंज नहीं होता है कट ऑफ के में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ था आपका ओपन कैटेगरी के लिए क्या था, ओपन के लिए जो मिला था आपका ऑल इंडिया रैंक वो था 4953 रैंक पे मिला था फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया कोटा से। तो सबसे पहले हम लोग ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ देख रहे हैं, उसके बाद स्टेट कोटा का। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो नीट स्कोर था उनका क्या था, 648। ओबीसी कैटेगरी के लिए क्या था आपका, 5978 पे मिला था लास्ट रैंक, और उनका मार्क्स आप यहाँ पे मार्क्स देख सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा। और यहाँ ईडब्ल्यूएस का था आपका 6283 पे मिला था, एससी कैटेगरी के लिए आपका 43000 मिला था, जब वहाँ उनका मार्क्स क्या था, 559 मार्क्स पे कॉलेज मिला था ऑल इंडिया कोटा से। एसटी कैटेगरी के लिए आपका 65949 पे मिला था। हाँ, बात रहे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का। हाँ, बहुत से स्टूडेंट का ये कंप्लेंट रहता है कि वीडियो में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का क्यों नहीं इंक्लूड करते, तो नहीं, ऐसा नहीं है, हम सारी वीडियो में पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज का भी कट ऑफ इंक्लूड करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ओपन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए कितना था, 4,78,736। दूसरा ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए आपका 8,51,199, मतलब यहाँ पे मार्क्स देख सकते हैं 122 मार्क्स पे ही ओबीसी पीडब्ल्यूडी को मतलब कि आपका रिम्स रांची फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गया था, और यहाँ ओपन पीडब्ल्यू 224 मार्क्स पे। तो इसलिए आप लोग अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एक बार आपको बोलेंगे कि काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, आप लोग कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा इतना मार्क्स रहेगा तो। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं कि ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड का क्या कट ऑफ था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड का जो कट ऑफ है वो आपका जनरल के लिए, वही ओपन कैटेगरी जनरल के लिए आपका था 7027 पे लास्ट अलॉटमेंट हुआ था सेकेंड राउंड में, जिनका मार्क्स था 639। और यहाँ ओबीसी के लिए था आपका 8374, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए था आपका 7507। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका कि कितना मार्क्स पे हुआ था उनका, 636 मार्क्स पे हुआ था। ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए क्या था, 55851, एंड जो मार्क्स था उनका 539 था। तो यहाँ आप रैंक को कंसीडर कीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ देख सकते हैं सेकेंड राउंड में ऑल इंडिया कोटा से सीट नहीं बचा था। ठीक है, यहाँ पे और हाँ, लास्ट में वही पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का देख सकते हैं, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए किस रैंक पे हुआ था, 6,36,478 पे। ठीक है, और यहाँ पे नीट स्कोर क्या था उनका, नीट स्कोर था 170। अब ये हो गया ऑल इंडिया कोटा सेकंड राउंड, अब इसके बाद मॉपअप राउंड में देख लेते हैं, लेकिन मॉपअप राउंड में बहुत कम सीट बचता है, तो एक बार मॉपअप राउंड का भी देख लेते हैं, क्योंकि उसका भी स्टूडेंट बोलते हैं कि एक रफ आइडिया होना चाहिए मॉपअप राउंड में कितना जाता है, तो इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ मॉपअप राउंड का कट ऑफ है ये, तो ये अलॉटेड कैटेगरी है। ओपन कैटेगरी के लिए जो ऑल इंडिया कोटा मॉपअप राउंड पे गया था वो आपका था 9,986, ऑलमोस्ट 10,000 के करीब गया था मॉपअप राउंड में। ठीक है, वही स्कोर था 629, ओबीसी के लिए था आपका 13,169, एंड जो स्कोर था 619 था, एंड एससी कैटेगरी के लिए था क्या था आपका 89,486 मार्क्स पे रैंक पे, एंड जो उनका स्कोर था वो 493 था। अब ये हो गया ऑल इंडिया कोटा का, अब हम स्टेट कोटा का भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे स्टेट कोटा का भी देख लेंगे, तो स्टेट कोटा का ये आपका कट ऑफ है नीचे। हम लोग ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ देख लिए, अब चलिए देख लेते हैं कि रिम्स रांची का स्टेट कोटा से क्या कट ऑफ था लास्ट राउंड में, मतलब कि स्टेट कोटा क्या कट ऑफ था लास्ट ईयर में राउंड वाइज, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यूआर के लिए था, यूआर के लिए क्या था,
यू आर जनरल कैटेगरी के लिए जो था आपका रैंक किस रैंक पे हुआ था, फर्स्ट राउंड स्टेट कोटा से, स्टेट कोटा फर्स्ट राउंड, तो यहाँ 10,775 पे, एंड जो स्कोर था उनका 625 स्कोर था। यहाँ पे BC2 कैटेगरी के लिए क्या था, 13,415 रैंक पे हुआ था फर्स्ट राउंड में स्टेट कोटा से, एंड जो मार्क्स था वो 618 था। अब BC1 के लिए 13,654 था, EWS के लिए 18,206 था, SC कैटेगरी के लिए अब क्या था 96,233, एंड मार्क्स जो था 484 मार्क्स पे ही हो गया था लास्ट ईयर, एंड जो ST कैटेगरी के लिए था 1,99,801, एंड जो स्कोर था उनका 382 स्कोर था। हाँ, यहाँ पे आपका ये सब कैटेगरीज ही नहीं, PWD कैटेगरी को भी हम कट ऑफ में इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैसा मत बोलिए कि आपका PWD कैटेगरी का कट ऑफ हम नहीं इंक्लूड करते, इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, BC2 PS कैटेगरी का क्या है, यहाँ पे 1,42,062, एंड मार्क्स जो था आपका देख सकते हैं 434 पे। हाँ, यहाँ पे एक आप ये सब पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, साथ में आप देख सकते हैं ये प्रिमिटिव ट्राइब वाला कैटेगरी, यहाँ प्रिमिटिव ट्राइब के लिए क्या था आपका, जो आपका रैंक क्या था उनका, रैंक था 8,84,711 पे, एंड जो स्कोर था 116 स्कोर पे ही हो गया था, ठीक है। अब ये हो गया फर्स्ट राउंड का कट ऑफ, आप देख लेते हैं सेकेंड राउंड और फिर मॉपअप राउंड, और उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देंगे क्या रहेगा। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये रहा आपका रिम्स रांची का आपका स्टेट कोटा सेकेंड राउंड का कट ऑफ है, ठीक है। क्या है ये, स्टेट कोटा सेकेंड राउंड का कट ऑफ है। UR जो है आप देख सकते हैं 11,600, वहाँ था 10,000 करीब, तो यहाँ पे 1,000 का आपको ज़्यादा अच्छा कट ऑफ रहे मिला है, ठीक है, सेकेंड राउंड में। और जो स्कोर था 623, वहाँ था आपका 628 के करीब, मतलब 5 मार्क्स का यहाँ पे मिला था आपको सेकेंड राउंड में। BC1 और BC2 का सेकेंड राउंड में सीट बचा ही नहीं। EWS कैटेगरी का जो स्कोर आपका लास्ट रैंक पे एडमिशन हुआ था सेकेंड राउंड में 18,784 पे, एंड जो SC कैटेगरी के लिए था 99,000, वहाँ पे आपका 93,000 के करीब था। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, 480 मार्क्स पे हो गया था, और यहाँ पे ST कैटेगरी के लिए 2,08,654 तक कट ऑफ चला गया था आपका सेकेंड राउंड में रिम्स रांची के लिए, जो मार्क्स था 375 पे। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे और ये हो रहा गया PWD कैटेगरी के लिए, BC1 ब्लाइंड का यहाँ पे दिया गया है, URDIF का यहाँ पे दिया गया। अब बचता है आपका मॉपअप राउंड का कट ऑफ, तो मॉपअप राउंड में आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉपअप राउंड का कट ऑफ ये रह गया। तो मॉपअप राउंड में आप क्या यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टेट कोटा का मॉपअप राउंड का कट ऑफ है, जहाँ पे सिर्फ इधर UR और मतलब जनरल और SC कैटेगरी का बचा था सीट मॉपअप राउंड में, जबकि आपका ये BC1, BC2 एंड ST कैटेगरी का सीट था ही नहीं कि मॉपअप राउंड में। और ये जो सीट था ना, ये दो सीट जनरल का था और दो सीट SC कैटेगरी के लिए था, और BC2 मतलब कि ये PWD कैटेगरी का दो सीट या तीन सीट बचा हुआ था, तो कम सीट बचा हुआ था, ठीक है, मॉप राउंड में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल इंडिया कोटा का, ये जो मतलब कि ऑल इंडिया कोटा नहीं, यहाँ पे रैंक दिया गया है, ये स्टेट कोटा का ही है। तो ये रह गया आपका रैंक कितना है, जनरल कैटेगरी के लिए 17,143 रैंक पे हुआ है, SC कैटेगरी के लिए आपका 1,15,926 तक गया था। यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना है 99, तो सेकेंड राउंड में 99,000 तक गया था, लेकिन आपको मॉपअप राउंड में SC कैटेगरी के लिए 1,15,000 तक चला गया था, जिनका स्कोर था क्या 461। ये आप यहाँ पे BC2 ब्लाइंड का कैटेगरी का दिया गया है, ये तो ये BC2 ब्लाइंड में 58,589 तक गया था, और यहाँ पे 535 मार्क्स पे, एंड ये आप देख सकते हैं 3,41,865, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं BC1 ब्लाइंड का कैटेगरी जो सेकंड राउंड में था वो कितना था 58,589, और ये आपका क्या है 535 मार्क्स पे। हमको तो लगता है ये जो स्टूडेंट है इन्होंने ही यहाँ पे कुछ अपग्रेडेशन करवाया होगा, कैटेगरी में कुछ चेंज हुआ होगा इनका, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या है, ये है आपका सब। तो ऑल इंडिया कोटा का भी कट ऑफ बता दिए और स्टेट कोटा का भी। अब देख लेते हैं कि स्टेट मतलब इस साल एक्सपेक्टेड क्या रहेगा। तो इस साल एक्सपेक्टेड देखने से पहले आपको समझना होगा कि मतलब 2022 में और 2023 में क्या वेरिएशन रहा रैंक वर्सेज मार्क्स का, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले आपको कंपैरिजन समझना होगा 2022 में और 2023 में क्या डिफरेंस था मार्क्स वर्सेज रैंक में। सॉरी, ये 2021 नहीं 2022 होगा, और ये 2022 नहीं 2023 होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो इसके लिए सॉरी। अब आगे चलिए बढ़ते हैं आगे जो है, ठीक है, यहाँ पे वही आपको पहले ही बोल दिए, ये 2022 होगा, ये 2023 होगा, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। तो आप यहाँ पे अब नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया, हाँ ये रह गया। तो
तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है नीट 2023 का मार्क्स और रैंक दिया गया है, नीट 2022 का दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मार्क्स हो गया, रैंक हो गया, मार्क्स हो गया, रैंक हो गया। तो लास्ट 686 रैंक पे जो आपका 620 मतलब 2022 में क्या क्या रैंक गया था आपका, 426 रैंक गया था 686 मार्क्स पे। बट इस ईयर जो है आपका 1018 चला गया है, मतलब यहाँ पे कितना का इंक्रीमेंट मिला आपको, यहाँ पे आपको 600 देख रहे हैं, 600 रैंक में इन्फ्लेशन दिखाई बढ़ गया, ठीक है। उसी तरह आप देख सकते हैं 650 मार्क्स पे आपको लास्ट ईयर था 4500, लेकिन इस ईयर कितना था आपका 7200 करीब, कितना का इन्फ्लेशन दिख रहा है आपको, आपको यहाँ पे 3000 का इन्फ्लेशन मिल रहा है, ठीक है। 3000 मार्क्स इन मतलब रैंक बढ़ गया है, देख सकते हैं इन्फ्लेशन हो गया है। तो उसी तरह आप देख सकते हैं 645 के लिए आपका 5400 था, लेकिन यहाँ पे आपका कितना है 8612 था, तो ये कितना का इन्फ्ले, यहाँ भी आपको 3000 देख सकते हैं कि रैंक बढ़ चुका है, इन्फ्लेशन हो गया है। यहाँ पे 10000 जो है आपका 628 पे मार्क्स पे था, लेकिन इस बार 628 मार्क्स कब कितना पे गया है, 14000 पे गया है, 14000 पे कितना का इन्फ्लेशन है, यहाँ पे इन्फ्लेशन है आपका 4000 पे, 4000 का इन्फ्लेशन है, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, यहाँ पे 615 मार्क्स जो है 2022 में आपका 14000 पे था, लेकिन इस साल जो है वो 20000 पे ही था, मतलब यहाँ पे 6000 देख सकते हैं, 6000 यहाँ पे रैंक बढ़ चुका है। अब देख सकते हैं दूसरा क्या है, 607 पे, 607 20000 पे लास्ट ईयर था, लेकिन इस ईयर जो है 28000, तो यहाँ 8000 का आपका इंक्रीमेंट देख सकते हैं रैंक में। एंड नेक्स्ट लास्ट खड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 591 पे कितना था, 25000 पे रैंक गया था लास्ट ईयर, लेकिन इस साल जो है आपका 34000 गया है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना 9000 जो है रैंक में इन्फ्लेशन देखने को मिला है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो इस ये आपका 300 से लेके 9000 तक का इन्फ्लेशन आपको रैंक में मिल रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो कट ऑफ बन सकता है, तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ रहेगा ना इस साल, वो आपका मतलब कि मार्क्स जो है वो कट ऑफ जा सकता है, ज़्यादा मार्क्स में कट ऑफ बढ़ सकता है, लेकिन जो रैंक है ना वो रैंक मतलब कि जो लास्ट ईयर रहा था वो लास्ट ईयर की तरह ही इस साल भी रैंक उसी तरह का ही कट ऑफ रहेगा, क्योंकि रैंक उतना वैरी नहीं करता है, मार्क्स भले वैरी कर जाए किसी भी साल। तो आप एक बार देख सकते हैं नीचे, हाँ तो ये एक्सपेक्टेड हम बता दे रहे हैं, ये मेरा एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं पर्टिकुलर कि यही जाएगा, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह से ही जाना चाहिए इस तरह। तो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ जो आफ्टर सेकेंड राउंड आपको शायद ये मिल सकता है, जनरल के लिए आपको 645 मार्क्स से 648 मार्क्स तक मिल जाना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 645 से 650 मार्क्स तक मिल जाना चाहिए, लास्ट कॉलेज लास्ट मतलब अलॉटमेंट ओबीसी के लिए 642-645 में कॉलेज मिल जाना चाहिए। और आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एससी कैटेगरी के लिए आपका 550 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 530 प्लस तक कॉलेज मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब देख मतलब कि स्टेट कोटा के लिए भी देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड इस साल क्या कट ऑफ रहेगा। तो ये रहा, हाँ ये आपका स्टेट कोटा कट ऑफ है, तो यूआर में आपका रहेगा मतलब 632-635 तक कॉलेज मिल जाना चाहिए इस साल स्टेट कोटा से, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 610-625 तक जा सकता है, ओबीसी के लिए आपका 620-625 तक जा सकता है, मतलब यहाँ BC1 BC2 इंक्लूडेड है, ठीक है दोनों। एससी कैटेगरी के लिए आपका 490 प्लस जा सकता है एंड एसटी कैटेगरी के लिए आपका 395-400 प्लस तक जा सकता है। तो ये रहा आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो ये वीडियो इसी के साथ यहीं पर ख़त्म होता है। हाँ अगर इस तरह से आपको कोई जैसे ये वीडियो स्टूडेंट के डिमांड पे बना कि एक रिम्स रांची कट ऑफ का वीडियो लेके आओ, तो उसी तरह अगर आपको भी कोई पर्टिकुलर कॉलेज है जिसका आपको कट ऑफ चाहिए तो उसका आप कमेंट कर सकते हैं, अगर हम उस पर वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो टिल देन सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।